हाँ, गुड आफ्टरनून बेटा। आज बेटा असी बस कंडक्टर कहानी वनगी बुक दे विच है, ओ कल आपां रीड कर ली सी। अदे बैक से दे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। 1 मार्क्स क्वेश्चन साडे हो चुके सी, रीडिंग भी सी कर लिए। फिर कल बेटा तुहाडा टेस्ट भी सी, बेबे जी वार्तक लेख ते विस्मी। पहला आपां डिस्कस कर लेने, उस तो बाद असी क्वेश्चंस करांगे, ठीक है। यस, रेज योर हैंड बेटा, सुनाओ क्वेश्चन टेस्ट दे। बेबे जी वार्तक लेख किसदा लिखिया होया है? हाँ जी बेटा, यस तनवीन बेटा, हाँ जी, बेबे जी वार्तक लेख हरपाल सिंह पन्नू दा लिखिया होया है। वेरी गुड। हरपाल सिंह पन्नू दा लिखिया होया है। नेक्स्ट है, लेखक नू बेबे दे घर होने ते दिन रात किवें लगदे सन? हाँ जी जी है बेटा, जदों बेबे घर हुंदी सी तां लेखक नूं दिन रात त्योहार वर्गे लगदे सन। हाँ वेरी गुड। दिन रात त्योहार वर्गे लगते सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक नूं अपने बेबे किस दी टकसाल लगती सी? हाँ जी, रेज़ योर हैंड बेटा, यस तनवीन, हाँ जी बेटा तनवीन, लेखक नूं उसदी बेबे भाषा दी टकसाल लगदी सी। हाँ किस दी टकसाल लगती सी? भाषा दी। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान्यवीत, हाँ जी मान्यवीत बेटा, बेबे जिंदरा ते कुंजियां शब्द किन्हां लई वरतदी है ते क्यों? हाँ जी बेटा मान्यवीर, बेबे जिंदरा शब्द अपने आप वास्ते ते कुंजिया शब्द अपने बच्चिया वास्ते वरतदी है। बेबे आखदी है कि बच्चा दे आउण नाल ही इह जिंदरा खुलदा है ते रौनकां लगदियां हन, बाकी रौनकां किसे काम दियां नहीं हन। बेबे अपने बच्चा नूं बहुत प्यार करदी है। वो आखदी है कि उसनूं उन्हां दे आया ते ही खुशी मिलदी है। जदों हाँ घर बुजुर्ग हुंदे हन, बच्चियां नूं कोई चिंता नहीं हुंदी ते ओह किते भी आ जा सकदे हन। हाँ वेरी गुड, शाबाश। सेम क्वेश्चन, धैर्य धैर्य, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा, धैर्य धैर्य, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। बेबे जिन, यस धैर्य, धैर्य अनम्यूट योर सेल्फ। बेबे किन्नी वरती है? जिंदरा शब्द अपने आप लिए वरती है ते कुंजियां के लिए वरती है? अपने बच्चियां लिए, लेखक लिए क्यों वरती है? कहने कि जिस तरह, ठीक है, जिंदरा चाबी नाल खुलता है, उसी तरह बच्चियां दे घर होने नाल ही ताही मां नूं खुशी मिलती है। कि वैसे भी अजकल के समय के विच भी जदों घर के भी साडे बुजुर्ग होंगे हन तां सानू किसी किस्म की कोई चिंता फिक्र नहीं हुंदी। नेक्स्ट है, लेखक का बचपन का जीवन किहो जिहा सी? हाँ जी, लेखक दे बचपन का जीवन किहो जिहा सी? यस बेटा, यस मान्यवीत, हाँ जी मान्यवीत, यस मैम, हाँ जी, लेखक दा बचपन दा जीवन खुशहाल सी, जो कि हंसदिया खेडदिया बतीत होया। उसनु 4-5 साल दी उम्र तक दा अपना बचपन याद सी। जदों उसदी बेबे सिर उत्ते कड़ा चुक के खूह ते पानी भरन जांदी तां लेखक हर गेड़े नाल उसदी कमीज ते कन्नी फड़ी जांदा। कई बार डिगण लगदा ते उसदी बेबे उसनु डिग नू बचांदी। जदों उसदी बेबे घर हुंदी तां उसनूं हर दिन रात त्योहार वांग लगदे। लेखक दा बचपन मां दे प्यार ते एकी खुशी नाल बतीतिया। वो सारा दिन हसदा खेडदा, बीमारी तां जिवें नेड़े तेड़े भी नहीं सी। शाबाश, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्मिक धन भाग जी आया नू, आओ जी केड़े विस्मिक दिया उदाहरण हन? हाँ जी, धन भाग जी आया नू, यस, हाँ जी, धैर्य धैर्य, यस गुड आफ्टरनून मैम। यस, हाँ जी बेटा, लेख धनपाक जी आया नू, आओ जी केड़े विस्मिक दे उदाहरण हन बेटा? मैम सत्कारवाचक विस्मिक। हाँ धनपाक, आओ जी, सत्कारवाचक, यस तनवीन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खबरदार, यस नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, खबरदार नदी विच पानी तेज वहंदा है, विस्मिक चुनो ते किसम? मैम,
खबरदार विस्मिक सूचनावाचक। खबरदार की सूचनावाचक। नेक्स्ट है डैश गुरदीप का ब्रिगेडियर बन गया। तनवीन, तनवीन बेटा। मैम वाह गुरदीप का ब्रिगेडियर बन गया। हाँ वाह तो इलावा और केड़ा शब्द आ सकता है बेटा? वाह भी ठीक है, और केड़े शब्द आ सकते हैं? किसी और ने कोई और लिखा हो? यस मान्यवीत। मैम सदके। हाँ या बल्ले बल्ले हैं रानी वाचक भी ठीक है। गुरदीप दा ब्रिगेडियर बन गया है भी आ सकता है। कमाल है सदके वाह गुरदीप दा ब्रिगेडियर बन गया भाव की हैरानी वाचक विस्मित भी आ सकता है। ओके नेक्स्ट हम आप करांगे बेटा स्टोरी बस कंडक्टर रीड आप कर ली सी ते वन मार्क्स क्वेश्चन भी आप कर ले सी। ओके एक बार फिर तो मैं तुम्हें स्टोरी दस दिनी है शॉर्ट फॉर्म के विच, फिर तुम मैं आंसर देने हैं 2 मार्क्स से ते नाल नाल नोट करने हैं। ठीक है बस कंडक्टर कहानी के भी जो 2 मेन पात्र है, एक है पाली। ठीक है पाली कौन है इस कहानी के विच? डॉक्टर का रोल अदा कर लिए डॉक्टर नहीं दा। ते नेक्स्ट है जीत पात्र। जीत जो है इस कहानी के विच बस कंडक्टर का रोल अदा कर रहा है। इन्हां दो पात्रा के आले दुआले सारी कहानी जिहड़ी कि घूमती है। इस तो इलावा इस कहानी के विच कुछ होर पात्र हैं जो बस के भी सवारियां हैं। ठीक है जिवें एक बुढ़ी माई है, ठीक है जो बस के विच ही बैठी हुंदी है। एक सरदार है, ठीक है जो बस के विच ही सफर कर रहे हुंदे हन। इस तों इलावा होर किहड़े पात्र है? अमरजीत। ठीक है अमरजीत कहानी भी जिहड़ी की है मर चुकी है। ठीक है मर चुकी है जो कि बस कंडक्टर जीत की भैन हुंदी है जो कि 1947 दे दंगिया दे विच मर चुकी है। ते लाहौर दे विच डॉक्टरी की पढ़ाई करती सी। ते जीत नूं पाली दे विच अपनी भैन दिखाई दिंदी है जिस करके उहदा बड़ा ख्याल रखदा है जदों बस दे विच आउंदी है। इसलिए वह बस जदों कि गुरुद्वारे वाले साइड तो जानी हुंदी है ते पहला कित्थों तारदा जिथे जीत दा सॉरी जिथे पाली दा होस्पिटल हुंदा है उत्थे। ठीक है उसके नेड़े ही जिहड़ी कि बस दा रूट जिहड़ी कि बस उधरली साइड लै जांदा है तां कि पाली नूं कोई मुश्किल ना आवे। ठीक है इस तों इलावा पाली लई सीट भी रखदा है ताकि उसनों बस दे विच दूसरी बस दे विच धक्के ना खाने पैन। ते पाली दी टिकट दे पैसे भी वह अपने कोल दिंदा है जदों टिकट चैक आउंदा है। क्यों करदा है? क्योंकि बेटा जीत नूं पाली दे विच अपनी भैन मर चुकी भैन नजर आउंदी है भाव कि इक मनोविज्ञानी कहानी है ते भैन भरा दे प्यार दा प्रतीक है। ठीक है हुण आपां क्वेश्चन करांगे 2 मार्क्स। फस्ट क्वेश्चन है बेटा बस विच एक सरवार सरदार पाली बारे की कहता है। हाँ जी बेटा बस विच एक सवार पाली बारे की कहता है। हाँ बेटा तनवीन। यस मैम बस विच एक सवार सरदार पाली बारे आखदा है कि जी भावे किन्ना ही कमाण कराणियां दियां कानू आदमियां सामने अखा चुकदियां ने ते आकुर नी मैं कई वारी पटियाले जांदा रहना वां देखी है सॉरी मुंह विच बोलनी पाप की उसनू लगदा है कि कुड़ियां मुंडियां नालों बहुत कट समझदार ते यतनशील हुंदियां हन। ओ कुड़ियां नू पिछे ते मुंडियां नू अगे रखन वाली सोच वाला व्यक्ति है। हां एक बेटा लाइन सी सॉरी मुंह विच जानी बोलियो दा मीनिंग है। कल भी पुछिया सी उहदा मीनिंग है पाप की ओ कुछ उहने कभी वह बोली नहीं सी। ठीक है क्योंकि बस जरा कंडक्टर भी जो सरदार है अगे भी आता जाता है उस बस के उन्हें पाली नू पहला भी देखा होंगे तो इसलिए कहें सोरी मूवी जानी बोली भाव कि वह जरा कि कद उसने पाली नू बोलद्या नहीं देखा सी। सोरी मूवी जानी बोली भाव कि उन्हें कदे भी पहला पाली नू बोलद्या होया नहीं देखा सी। हाँ जी सेम क्वेश्चन होर कौन सुनाएगा बेटा? सेम क्वेश्चन फर्स्ट बस भी इस सरदार पाली बारे की कहता है। बस विच एक सवार बस विच एक सवार सरदार पाली बारे आखता है कि पावे ओ किन्ना भी कमा लवे पर उसनू आदमियां दे सामने अखां चुका के ही रखनी चाहिदियां हन।
हाँ और की कहते ओरे बारे बेटा सरदार ए भी आखता है कि उसने कदे भी पाली नू कुछ भी बोल दिया नहीं वेख्या। पेज नंबर बेटा स्टार्टिंग ही है थर्ड फोर्थ पैरेज विच है ना जी पावे किन्ना ही कमान घराणिया दी कानू आदमिया सामे अखा चुकदिया ने आ कुड़ी डॉक्टर नहीं मैं कई बार पटियाले जांदा वेखना भाव की जे सरदार ने उस बस भी सवार सरदार ने की कहा सी कि जी पावे किन्ना ही कमान एज इट इज लाइन लिखनी है कि घराणिया दियां कानू आदमिया सामे अखा चुकदिया ने ए कुड़ी सोरी दे जानी पहला मैं कदे बोलदी देखी नहीं भाव की मैं देखिया ही नहीं कदे ए बोलदी भी होवे। ठीक है तो मीनिंग की है सोरी दे जाने मुंह विच बोले भाव की उसने उस लड़की नू पाली नू कदे भी पहला बोल दिया नहीं देखिया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बस कंडक्टर ने टिकट देन लग्या पाली अते बुढ़ी माई नाल केहो जिहा वर्ताव किया भाव की जो पाली उन्हूं 10 रुपए दिंदी है वह उस नाल केहो जिहा वर्ताव करदा है ते बुढ़ी माई जदों 10 रुपए दिंदी है ते उस नाल केहो जिहा वर्ताव करदा है किस तरह किस ढंग नाल बोलता है। हाँ जी बेटा यस गुरशान बेटा हाँ जी यस मैम बस कंडक्टर ता वर्ताउन पाली प्रति हमदर्दी वाला सी पर बुढ़ी माई भुखा सी बस बस किराए लई खुले पैसे ना होण करके कंडक्टर ने पाली नू ता एक किराया अगले दिन दी मोहलत दे दी सी पर एक बुढ़ी माई वर्ताउन की वर्ताया उसने बुढ़ी माई बस विचो हेठा उतार के पैसे भरन लई तोड़ दिता उसने क्या उसने बुढ़ी द्वारा तरले करन उत्ते ही उसने बैठन दिता। शाबाश वेरी गुड यस जानवी बेटा यस बेटा सेकंड क्वेश्चन सुना बेटा। हाँ जी बुढ़ी माई हाँ जो बस कंडक्टर ने पाली नू टिकट दिता ता उसने अगो 10 दा नोट कट के फड़ाया बस कंडक्टर ने उसनू कहा के उसको पान नहीं आए करके ओ हर पैसे दे देवे पर जदों बुढ़ी ने 10 दा नोट फड़ाया ता उसने ओनू कहा कि उसके कोल पान नहीं है ते ओ पैसे पना के ले आवे बुढ़ी दे तरले करन ते ही उसने उसनू बैठन दिता इस तरह बस कंडक्टर पाली प्रति ता हमदर्दी भरिया सी पर बुढ़ी प्रति भुखा सी। हाँ शाबाश वेरी गुड। ठीक है जो 10 रुपए ठीक है 10 रुपए कट के किन्ने फड़ाए सी पाली ने ता उसने कहा कि मेरे को खुले पैसे नहीं हन तुसी मैनू कल दे देना। ठीक है भाव कि उहदे नाल उहदा नरमी भरिया वतीरा सी। ठीक है नरमी भरिया वतीरा सी नरमी नाल पेश आंदा है पर जो बुढ़ी माई ने ठीक है बुढ़ी माई ने जिहड़ा कि 10 रुपए फड़ाए ता उस नाल उन्हें रुखा बोलिया या सख्ती नाल बोलिया ते उसनू की किया कि पहला तुसी पैसे पान तुड़ा लियाओ या पैसे खुले करके ले आओ। ठीक है ते मैं तुहाडे को किराया अज लेना ही लेना है भाव कि उहनां प्यार नाल बोलता है ते उहनां रुखा। ठीक है क्यों प्यार नाल बोलता सी क्योंकि पाली दे विच उसनू अपनी भैन नजर आंदी सी जदकि बुढ़ी माई नाल रुखा बोलिया ते उहनूं किया कि तुसी पैसे पहला खुले करा के लैके आओ पान लेके आओ ते मैं टिकट लेनी है टिकट दे पैसे लेने हैं। नेक्स्ट है बस कंडक्टर बारे पाली दे मन दे विच किहो जे विचार आ रहे सन। ठीक है पाली दे मन विच किहो जे विचार आ रहे सन। हाँ जी बेटा ओनली 2 स्टूडेंट तनवीन एंड गुरशान सेम बेटा होर कोई बच्चा जी एंड जानवी सेम तीनों बच्चे रोज सुनांदे बेटा बाकी बच्चे भी एंडेज करो ना। यस तनवीन बेटा हाँ जी तनवीन बेटा यस मैम बस कंडक्टर जीत बारे पाली दे मन विच बड़े ही चंगे विचार आ रहे सन उसका धन्यवाद करना चाहती सी क्योंकि उस कोल बस का किराया जिन्ने पैसे होने दे ना होने दे बावजूद भी जीत ने उसनू बस विच जगह दिती सी ते उसनू उसदे थां ते पहुंचाया सी। शाबाश वेरी गुड यस गुरशान गुरशान बेटा यस मैम। हां जी पाली ने शुरू में बस कंडक्टर जीत ना दा हमदर्दी दा पूरा फायदा चक किया पर जब जीत ने पाली तो उस ले
उसने भरी बस बैठने लई सीट रखी अते उस दी उड़ीक विच बस नू रोकी रखिया तां जीता इह अजिहा वर्ताव पाली नू चंगा ना लग्या क्योंकि उस बिना टिकट दा ले सफर नहीं करना चाहुंदी सी अते उस नू की बाकी सवारियां की सोचदियां होंदियां। शाबाश। पाली नू पता लगा कि जीत उस दी टिकट दे पैसे अपनी जेब विचों कढ रहा है तां पाली ने हैरानी शान हो के हैरानी हुई कि 60 रुपए दी तनखाह नाल गुजारा करन वाला उसदा टिकट दे पैसे किवें जिंदा होवेगा। शाबाश। ठीक है, अखीर ते उहने की सोचिया सी जिया बेटा जदों उहनूं पता चलिया सी कि उह हां जी जिया बेटा यस जिया बेटा पूरी पूरा बोल दे बेटा। पाली बस कंडक्टर जीत नूं अपने नाल हमदर्दी वरतदा देख के बहुत चंगा समझण लगी। फिर एक दिन जो उसने उस कोलो टिकट दे पैसे ना लगे तां उसनूं चंगा नहीं लगा। उसनूं लगा कि एह कंपनी नाल धोखा कर रहा है ते उसदे प्रति उसदे विचार गलत साबित हो गए। पर फिर जदों एक दिन बस विच चक्कर चढ़ गया तां उह बहुत घबरा गई। जदों ने कहा कि ए बीबी मेरी पैर है ते इस कोल पैसे मेरे कोल हन तां उसदे विचार उसके प्रति फिर बदल गए ते ओ उस नाल फिर हमदर्दी नाल ते ओ उसके प्रति फिर हमदर्दी नाल सोचन लग पई। हां वेरी गुड बेटा। ठीक है, सब तो पहला तां ओदा हमदर्दी भरिया रवीरा वतीरा। ठीक है, हमदर्दी भरिया वतीरा देख के व्यवहार देख के उन्हें बहुत चंगा लगता सी। ठीक है, क्योंकि वह पाली दे ले बस दे विच जिहड़ा कि पहला ही सीट रख दिंदा सी ताकि उन्हें परेशानी ना होवे। ठीक है, पर जदों बाद दे विच इक दिन वह टिकट नहीं लैंदा। ठीक है, टिकट दे पैसे नहीं लैंदा। ठीक है, तो सोचती है कि कंपनी नाल धोखा कर रहा है ते मैनू भी। ठीक है, इस धोखे दे विच शामिल कर रहा है ते उस नूं गल की चंगी नहीं लगती। ठीक है, गल उन्हूं चंगी नहीं लगी भी उन्हें टिकट के पैसे क्यों नहीं ले। ठीक है, फिर जो टिकट चैक कर आया तो उन्होंने अपने आप से शर्म महसूस हुई। ठीक है, भी उन्हें टिकट दे मेरे को टिकट नहीं है तो चैकर मैं की समझेगा। पर जो पाली जो जीत ने ठीक है अपने थैले के टिकट करके चैकर दिती तो उसू उस सारा दिन सोचती रही कि इन्हें पैसे क्यों दिते हैं। तो जो उसने दसिया कि मैं उस पाली के अपनी भैन नजर आती है तो फिर उसके प्रति उन्होंने की हो जा वतीरा हो गया हमदर्दी भरिया वतीरा महसूस कर लग गई जो पहला महसूस करती सी। पहला भी हमदर्दी भरिया सी फिर जो टिकट के पैसे ना ले तो उन्होंने चंगा नहीं लगा। वह कह रही थी कि धोखा कर रहा है धोखे के मैं शामिल कर रहा। पर जो चैकर के आने पर उसने अपने थैले के टिकट करके दे दी तो जो उस पता चलिया कि जीत पाली दे विच अपनी मरी हुई भैन नूं देखदा है फिर उसने नाल हमदर्दी भरिया वतीरा उन्हें महसूस किया ते उसनूं चंगा ते इक नेक इंसान समझिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस भी टिकट चैकर दे चढ़ जाण नाल पाली क्यों डर रही सी, क्यों उहनूं डर लग रहा सी कि जो टिकट चैक करन लई आया सी क्यों डर रही सी, क्योंकि उहदे कोल टिकट नहीं सी ना टिकट, क्योंकि उहने पाली ने टिकट उहनूं को जीत ने टिकट ले ही नहीं सी टिकट दे पैसे ही नहीं ले सी। उन्हें कितनी शर्म महसूस हो रही सी कि जो टिकट चेकर आएगा तो टिकट देखेगा तो कोल है ही नहीं। हाँ जी बेटा, कौन सुनाएगा क्वेश्चन बेटा, किस तरह का महसूस कर रही सी? सेम वही स्टूडेंट कनिश अनमिट योर सेल्फ बेटा। हाँ, शर्म महसूस कर रही सी, क्यों महसूस कर रही सी, क्योंकि उहदे कोल की नहीं सी? टिकट। हाँ, टिकट नहीं सी, चलो गुड। हाँ जी दहरे बेटा, दहरे। यस मैम। हाँ जी बेटा। मैम पाली जो सी बहुत ही शर्मिंदा फील कर रही थी ते उहनूं शर्मिंदा महसूस कर रही सी ते उहनूं डर भी सीगा क्योंकि वह एक डॉक्टर नहीं सीगी ते जदों ओ बस च बिना टिकट दे बैठी सीगी तो उन्हें लग्या कि जदों कंडक्टर ओदे कोल टिकट मंगेगा तो उन्हें कोई टिकट नहीं होएगी तो की सोचेगा उन्हें बारे। पर जदों जीत ने अपने बैग विचों पाली दी टिकट काट के दिखाई तो पाली पूरा दिन यही सोचती रही कि उसने अपने
पैसा तो क्यों उसके लिए टिकट खरीदी ते बाद चो जो जीत ने दस कि पाली विच उसनों अपनी भैन नजर आती है तो उसनों पाली जीत प्रति हमदर्दी महसूस हुई। शाबाश, वेरी गुड। यस गुरशान। यस गुरशान। यस मैम। नहीं ने टिकट ले पैसे अगे कीते सन पर जीत ने पाली तो टिकट दे पैसे नहीं ले। जो चेकर बस विच चढ़िया ते टिकट चेक करन लगा ते कंडक्टर वालों टिकट ना दिती जान दिते जान करके वो बहुत परेशान हो गई। उसनू डर सी उसनू कितनी शर्म दी गल होवेगी कि वो उसदे कोल नहीं है पर वो एक डॉक्टर है। शाबाश। यस यस जपजी बेटा जपजी। यस मैम। एक दिन जदों पाली बस ते चढ़ी ते उसने पैसे कटे ता जो वो टिकट खरीद सके ता उसने बार बार कहन ते भी जीत ने ना कर दिती। उस तो उस इस कारण उसने बहुत ज्यादा गुस्सा आया। थोड़ी देर बाद टिकट चेकर भी आ गया। उसने बहुत ही शर्म महसूस हो रही सी कि उसके कोल टिकट ही नहीं है ते वो एक डॉक्टर नहीं है ते वो साढ़े सात आने की टिकट भी नहीं खरीद सकती। उसने सोचा कि वो आग देगी कि कंडक्टर ने उसने टिकट ही नहीं दिती। उसने मंगी सी पर बाद भी उसने लग गया कि बेचारा फंस जाएगा। शाबाश, वेरी गुड। ठीक है कि पाली जड़ी सी पैसे देना चाहती सी। ठीक है पैसे देना चाहती सी पर जड़े जीत ने उसको लो पैसे नहीं ले। ठीक है ते उसे समय कौन आ गया? चेकर आ गया। ठीक है जो चेकर ने चेकर दे आन ते पाली नू बहुत शर्म महसूस हो रही सी क्योंकि उसके कोल की नहीं सी टिकट नहीं सी। ठीक है वो सोच रही सी कि जो चेकर देखेगा उसको टिकट नहीं है तो कितनी शर्म की गल है कि डॉक्टर नहीं होके ठीक है उसने टिकट नहीं खरीदी। तो उसने पहला सोचे कि वो कह देगी कि इसने टिकट दे पैसे मैं उसने दिते सन पर इसने मैंने टिकट दिती नहीं। पर उन्हें सोचा कि नहीं नहीं ठीक है इस गरीब बेचारे ते क्यों इल्जाम लगावा। ठीक है इस तरह उन्हें अपने आप से शर्म महसूस हो रही सी। पर जो बाद दे विच जीत ने अपने बैग दे विचों टिकट कढ़ के दे दी थी तब बहुत ज्यादा वो हैरान होगी बेचैन हो गई। नेक्स्ट है हस्पताल विच पाली नू केड़ी गल बेचैन कर रही सी। केड़ी गल बेचैन कर सेम क्वेश्चन है वाला है फोर्थ क्वेश्चन दे नाल ही बेटा जी आ बेटा। हाँ जी बेटा केड़ी गल बेचैन कर रही सी बेटा? इसका थोड़ा सा हिंट दे दो बेटा। जो उन्हें टिकट दे पैसे ਉਹਨੇ ਕੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਟਾ ਟਿਕਟ ਕੱਢਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕਰ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਟਿਕਟ ਕੱਢਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂ ਜੋ 60 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੇਚੈਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। हाँ सुना बेटा जी सकते हैं कि हाँ बोल बेटा। चैप्टर में एक ये भी लाइन है कि हॉस्पिटल में ड्यूटीज लगानी है उसने या काम कौन सा है। नहीं बेटा उन्होंने बेचैन ये गल कर रही सी क्योंकि उतो चेक वो पैसे दे के चली गई बस। ठीक है वो तो बस तो उतर गई अपने हॉस्पिटल चली गई। ठीक है चेक जिहड़ा जीत ने अपने कोलों टिकट काट के चेकर नू दिखा दी ते उस तो बारो बस विच उतर गई वो अपने हॉस्पिटल चली गई ते बस अगे चली गई। ठीक है उन्हें बेचैनी होने लग गई ना क्योंकि पता है रीजन नहीं पता चलिया ना उस गल का रीजन ही पता चलिया कि उन्हें मेरे पैसे क्यों दिते। ओके मैम। ठीक है ना जे किसी सानू किसी गल का रीजन ही ना पता चले सानू बेचैनी होंगी है ना कि उन्हें मेरे पैसे क्यों दिते। उस तरह उन्होंने भी बेचैनी होने लग गई सी कि उन्हें मेरे पैसे क्यों खर्चे। मैं 300 रुपया कमानी है तो सिर्फ 60 रुपये कमाता है तो बेचारा 60 रुपये कमान के मसा ही गुजारा करता होना है जिन्हें मेरी टिकट के पैसे क्यों भरे इनू की लोड़ पई सी। ये गल उन्होंने बेचैन कर रही सी परेशान कर रही सी। ओके ओके मैम। हाँ यस धैर्य आप सुनाओ बेटा धैर्य। यस धैर्य। यस मैम। पाली नू हस्पताल विच पूरे दिन ए गल बेचैन कर रही सी कि जीत ने उसको लो टिकट दे पैसे क्यों नहीं ले
ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਲੀ 300 ਰੁਪਿਆ ਕਮਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜੀਤ ਸਿਰਫ 60 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੀ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜੀਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰੀ ਭੈਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀਤ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਚੈਕਰ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਕਿ ਪਾਲੀ ਚੈਕਰ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜੀਤ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪ ਟਿਕਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 60 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਾ, 60 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੇ ਉਸਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ 300 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਯੈਸ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਪਾਲੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਜਾਨਵੀ, ਜਾਨਵੀ ਬੇਟਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਯੈਸ ਜਾਨਵੀ, ਅਨਮਿਊਟ ਯੋਰਸੈਲਫ ਬੇਟਾ, ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਹੱਲਿਆਂ ਵੇਲੇ ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਸਮੇਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਔਰ ਉਸਦਾ ਖੁਰਦਾ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਸਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਰੁਕ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਕੰਡਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਾਲੀ ਦਾ ਬੈਗ ਤੇ ਟੂਟੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਅਮਰਜੀਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਯੈਸ ਤਨਵੀਨ ਬੇਟਾ, ਸੇਮ ਕੁਸ਼ਚਨ ਤਨਵੀਨ। ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਪਾਲੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਉਸਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬੇਟਾ ਤਨਵੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ? ਕਿ ਜੀਤ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨਾਲ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੀਤ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਜੀਤ ਕੋਲੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਅਮਰਜੀਤ ਸੀ, ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ 1947 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਵੀ ਕਿਸੀ ਮਰ ਗਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮਸਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਸਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਲਾਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ? ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਮਾਨਵੀਤ, ਮਾਨਵੀਤ ਅਨਮਿਊਟ ਯੋਰਸੈਲਫ ਬੇਟਾ। ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੂਤਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਭੈਣ 1947 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਸਦੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਯਾਦ ਸਤਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਵਤੀਰੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬੇਟਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੇਟਾ। ਯੈਸ ਗੁਰਸ਼ਾਨ, ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਸ਼ਾਨ ਬੇਟਾ। ਯੈਸ ਮੈਮ, ਹਾਂਜੀ। ਕੰਡਕਟਰ 1947 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਭੈਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਭੈਣ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ
ਉਸ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਬਾ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ? ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਪਾਲੀ ਜੀਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਜੀਤ। ਉਸਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਅਮਰਜੀਤ, ਜੋ ਕਿ 1947 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਇੰਡੀਆ। ਇੰਡੀਆ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਪਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਪਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਸਾਰੇ ਸਭ ਨੂੰ? ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਬੇਟਾ? ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸਾਰੇ ਕੁਸ਼ਚਨ? ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੇਅਰ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਬਾਏ ਬੇਟਾ।